अरे मेरी लाडली दयामयी है, मेरी किशोरी दयामयी है, सभी भक्त बड़े भाव से आरती करेंगे। शुरू हो गए श्रीमद् भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है आरती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। यही मधुरी बोल जग मंत्री खोल, पति मार्ग बताने वाला, बिछड़ी को बनाने भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। जय जय राधा कृष्ण जुगल निराला, जय जय राधा कृष्ण जुगल निराला, आरती कराय लल सज वसन गोरे रूप गुण धन्या वसन गोरे रूप हरि हरि मन विमोहन बदन हरि मन विमोहन बदन गाय सखी गण नरक गाय
नम सखी जत चमर दुलाया हरे भगति विनोद सखी पद सुख भावे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama. बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम यार पत्थर कितने रखे ने कल वाले टेंट के पीछे इधर नहीं परली इधर ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अजानुलम्बितभुजौ कनिकापदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहि भागवतं स्वरूपं जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरहका तर आजुभाव पुत्रीति तन्मयतया तरवो विनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जय मुदिरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म निचलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजुद्ध प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्णा कैसे मथुरा में नंद के लाला बन करके वसुदेव दुलाला बन करके प्रभु ने प्रकट हुए हैं। आज हम लोग श्रवण करेंगे कृष्ण कैसे नंद के लाला होकर के ये गोकुल में कैसे कृष्ण जन्म लेते हैं। साधारण लोगों को प्रश्न करो कृष्ण कहाँ जन्म हुए हैं। जो लोग डायरेक्ट भागवत पढ़ते हैं वो सबके सब एक ही बात बताएंगे कृष्ण कहाँ जन्म हुए कहाँ जन्म हुए। बोलो जोर से कौन कौन बोलते मथुरा में हाथ उठा तो कहाँ जन्म हुए। इसलिए कृष्णा गोकुल में जन्म हुए मथुरा में कृष्णा प्रकट हुए। लेकिन साधारण लोगों को पूछो बोलेंगे कृष्ण तो मथुरा में ही जन्म हुए। लेकिन हमारी महाप्रभु के संप्रदाय की भक्त लोग कहते नहीं कृष्णा मथुरा में प्रकट हुए। आप लोगों ने बच्चा जन्म दिए होंगे कौन कौन बच्चे जन्म दिए हो हाथ उठाओ कौन कौन बच्चे जन्म दिए। न एक चीज को हमारी गुरु जी समझाया करते थे देखना जब बच्चा जन्म होता है माँ की पेट को साथ में उसकी नाड़ लगी रहती है। जन्म के बाद में उसको नाड़ी काटी जाती है कि नहीं। लेकिन क्या मथुरा में उनके नाड़ी काटी गई क्या है वहां नाड़ी नहीं काटी गई है। कृष्ण सर्वप्रथम उन्होंने चतुर्भुज रूप लेकर के ठाकुर जी कंस के कारागार में प्रभु प्रकट हुए और उनकी पूर्व जन्म की सारे बात को उन्होंने बताए। बोले देखो तुम दोनों पूर्व जन्म में प्रश्नी और सुत बात है पेड़ की सूखे पत्ते खा खा करके 10,000 साल तक तुमने मेरी तपस्या की। जब मैं संतुष्ट होकर के बोला वर मांगो तुम दोनों ने बताए प्रभु आप जैसे हमें एक लाला की चाहिए। मैंने कहा भैया मेरे जैसे तो कोई लाला होते ही नहीं मेरे जैसे तो केवल मैं हूं क्योंकि उपनिषद में भगवान को बताए ये असमर्थ तत्व। असमर्थ मतलब जिनसे बड़े की बात छोड़ दो जगत में जिनकी बराबर भी कोई नहीं होते मेरे जैसे तो कोई होते ही नहीं। मैं संतुष्ट हूँ मैं तुम्हारी बालक बनकर के मैं प्रकट जरूर होऊंगा। इसलिए प्रभु चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और बोले देखो अभी मैं बालक बन जाऊंगा मेरे को गोकुल में रख करके वहां पर एक बेटी हुई वो बेटी को यहाँ ले आना। बस इतना बोल करके ठाकुर जी छोटे बच्चे बन गए। इसलिए लेकिन कृष्ण जन्म कहाँ पर हुए हैं ये कृष्ण गोकुल में जन्म हुए हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे कोई भी ब्रजवासी ये बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा कृष्ण मथुरा में जन्म हुए। बोले क्यों बोले मैया जसोदा की गर्भ से जन्म हुए और बड़े बूढ़ी माताएं वो नाड़ी काटती हैं। कहते हमने अपना हाथों से नाड़ी हमने काटी
हम कैसे मान सकते हैं कृष्ण मथुरा में ही प्रकट हुए हैं, मथुरा में प्रकट हुए, लेकिन वो कृष्ण गोकुल में जन्म होते हैं। इसलिए एक ग्रंथ है जिसका नाम रुद्र चांबर। ये शंकर जी ये बात पार्वती को बता रहे हैं, बोले पार्वती मैंने देखा है कृष्ण गोकुल में जन्म हुए हैं। ये श्लोक है, बोले जसोदा नंद पत्नी च सुसुवाते समम तदा गोकुलाख्य वाम्बवान सांबिका मथुरागत। कृष्ण शंकर जी कहते पार्वती मैंने अपना आंखों से मैंने देखा है एक साथ में मैया जसोदा ने दो बच्चे जन्म दिए। पहले तो कृष्ण जन्म हुए, उसको बाद में फिर जुगमाया ने जन्म ग्रहण की। और जब श्री वसुदेव महाराज कृष्ण को मथुरा से लाए, अभी वहां से एक कृष्ण गोकुल में एक कृष्ण, फिर तो दो कृष्ण हो जाएंगे ना। फिर एक कृष्ण फिर गया कहाँ, बोले जो नंदनंदन कृष्ण जो गोकुल में जन्म हुए हैं वो पूर्ण है, मथुरा में जो कृष्ण प्रकट हुए वो अंश कृष्ण है। इसलिए पूर्ण कृष्ण ने ये अंश कृष्ण को अपना शरीर में मिला लिया। लेकिन ये बात को वसुदेव महाराज समझ नहीं पाए क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और यहां से उन्होंने लड़की को लेकर कहां चले गए, मथुरा में चले आए। बोले भैया भागवत में कहीं इसका प्रमाण क्या है, तब हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रमाण देते हैं। कहते गोपी गीत का जो प्रथम श्लोक है, बोले जयति तेधिका जन्मना प्रजा प्रयत दिया शाश्वत ब्रज गोपियां गोपी गीत का पहला श्लोक में कहते हैं, बोले जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। बोले हे श्याम सुंदर, जब से तुमने ब्रज में जन्म हुए है तब से ब्रज की जय जयकार हो रहा है। लेकिन केवल तुम्हारी जो गोपियां ना सबके सब तो सुखी है, लेकिन केवल तेरी गोपियां ही तेरे विरह में रो रही हैं। हे श्याम सुंदर तो कहाँ हो, हमें कृपा करके हमें दर्शन दो। ये गोपियां ये बात राधा रानी कह रही है, जन्मना ब्रज कृष्ण ब्रज में ही जन्म हुई। ये पहला श्लोक है। जब श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण का जन्म उत्सव को जो वर्णना करते हैं, इसका जो पहला श्लोक है, बोले नंदस्तु आत्मद जातालाद महामना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंदस्तु आत्मज, जब नंद बाबा के लाला ने जन्म लिया है, जातालाद महामना, नंद बाबा ने बड़े प्रसन्न हुए। इसलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। लेकिन कोई क्या कहते, वसुदेव का आनंद भयो है, कोई बोलते है क्या किसका आनंद भयो है, बोले श्री नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ये सुखदेव गोस्वामी प्रथम श्लोक है ये कृष्ण जन्म उत्सव का। जिस समय ब्रह्मा जी कृष्ण के जो बछड़े सखाओं को चोरी की, जब ब्रह्मा को पता चला कृष्ण कौन है, ये परम ब्रह्म परात पर तत्व है, तब ब्रह्मा स्वयं कहते हैं, बोले नव मिट्यते अभ्रवकुशे तड़िताम्बराय गुंजावतंस परिपीचलसत मुखाय वन्यस्रजे विशाल वेणु मृदुपदे पशुपांगजाय। कृष्ण कौन है, बोले पशुपांगजाय। पशुप मतलब जो गैया चराने वाले नंद बाबा, जिनकी अंग से ये जन्म हुए हैं, पशुप मतलब श्री नंद बाबा से जन्म हुए हैं। ये कौन है, श्री नंद के लाला है, ये श्री नंद के ये लाला है। ये कौन कह रहे हैं, बोले ब्रह्मा जी कहते हैं। बोले गर्गाचार्य जब भगवान के नामकरण करने के लिए आए, तो उसी समय में
गर्गाचार्य जी ये बात कहते हैं, बोले नंद ये जो लाला है ना, बोले कोचित वासुदेवस्य कोचित जाता तथा तमात्मज, कहते जो लाला है ना ये तेरा ही लाला है, लेकिन ये कभी वसुदेव का भी लाला बना है, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव होगा, लेकिन लाला किसका है, बोले लाला तेरो लाला है, लेकिन ये कभी वसुदेव का भी लाला बना है। ये कौन कह रहे हैं ये बात को, ये बात को स्वयं श्री गर्गाचार्य कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर स्थापन करते हैं जो कृष्ण है ना वो नंद के लाला श्री कृष्ण है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की, जय जय श्री राधे। अभी प्रश्न होता है भैया कृष्ण तो अजन्मा, कृष्ण गीता में खुद कहते हैं हे अर्जुन अजो अपि सन अभय आत्मा भूतानापि ईश्वर अपि सन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। हे अर्जुन मेरा जन्म नहीं है, जन्म कर्म च मैं दिव्यम, लेकिन मैं अजन्मा होते हुए भी मैं जन्म ले लेता हूँ। बोले क्यों जन्म लेते हैं, हमारे गुरु जी और हमारे टीकाकार इसको पीछे 10-15 कारण बताए, आज मैं 10 कारण बताऊंगा फिर आपसे सुनूंगा। तुम लोग ये बता सकते हो 10 कारण में 2-3 कारण, कौन बोलेगा हाथ उठा, तुम बोल सकते हो, याद है कुछ? कृष्णा अजन्मा, फिर अजन्मा होते हुए भी कृष्णा क्यों जन्म ली, मैंने बहुत बार सुनाया था, किसको किसको याद है हाथ उठाओ, कौन बोल सकता है, कौन बोल सकता है हाथ उठाओ। देखो दुनिया की बात बोलो ना, एकदम 20 साल पुरानी बात अभी याद आएगी, लेकिन भगवान की बात बोला तो सब चुप हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ एक नोटबुक रखो और पेन में लिखते रहो, पेन में लिखा कापी में लिखते रहो, याद है कुछ बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो, याद है कुछ, कितना कारण याद है, अब बोल सकते हो, हाँ और धर्म की संस्थापना के लिए हो गया था, हाँ बोल सकते हो 4-5 कारण बता सकती हो, तो क्या तो तर काफी पेन कहाँ है, हाँ पूजा वहां पर फूल चंदन देकर पूजा करो, हरे कृष्ण। कल मैं सुनूंगा, आज मैं 10 कारण बताऊंगा, कल आपसे सुनूंगा, देखो कथा हो रही ना, ऐसे नहीं बस फ्री 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 माइंड में चुपचाप बैठे हो, माला लेकर बैठी है, ये कथा भी याद कर सबके साथ, अभी मैं 10 कारण बताऊंगा, फिर मैं कल सबको खड़ा करूंगा, देखूंगा कल मेरे को फूल पाता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं पहला कारण ही, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्य। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जब जब इस पृथ्वी के ऊपर में अत्याचार होने लगे, गो ब्राह्मण स्त्री पृथ्वी इनको ऊपर में अत्याचार होने लगता है और धर्म का हानि होने लगने लग जाए और अधर्म बढ़ने लग जाती है, तब तक मैंने इस जगत में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ और संतों को मैं रक्षा करता हूँ। नवीन कुछ बोल सकता हूँ, याद है, इसलिए कल सुनाना 10 कारण बताता हूँ, कल सुनाना। इसलिए दूसरा कारण है, बोले अनुग्रहाय भक्ताना करोमि विविध क्रिया। दूसरा कारण है कहते भक्तों को ऊपर में मैं अनुग्रह कृपा करने के लिए मैंने जन्म लेकर के सुंदर सुंदर लीला की। अगर कृष्ण जन्म नहीं लेते, अभी प्यारी प्यारी मीठी मीठी ठाकुर लीला नहीं करते, हमारे कल्याण कैसे होता। कृष्ण जन्म नहीं लेते तो हम घर में बैठे, जन्म हुए तभी तो हमने इतने धूमधाम से जन्म उत्सव मनाए, आज भी राधा रानी की कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएंगे, प्रभु सुंदर सुंदर मीठी मीठी लीला की, तभी तो प्रभु की कथा हम सुन रहे हैं। वो लीला नहीं करते तो हम फिर घर में बैठ कर टीवी देखते, फिर दुनियादारी की बात करते। इसलिए भगवान कहते मैं भक्तों को ऊपर में अनुग्रह करने के लिए मैंने ये लीला करता हूँ, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण बताए, अभी सुन रहे थे ना, कृष्ण कहते हे देवकी वसुदेव
पूर्व जन्म में तुम दोनों कृष्ण और सुत बाधे, हजार साल तक तुम लोग ने केवल सूखे पत्ते खा खा करके भजन की। जब मैंने कहा वर मांगो, बोले प्रभु आप जैसे हमें एक बेटा चाहिए, बोले मेरे जैसे तो कोई होते ही नहीं, मैं अगले जीवन में तुम्हारी बेटा बन कर आऊंगा। ये एक कारण है, ये तीसरा कारण है। चौथा कारण है कि ये द्रोण और ये धरा दोनों ही राजा रानी थे, ये दोनों ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जब संतुष्ट हुए बोले वर मांगो, बोले हे प्रभु जैसे स्वाभाविक रूप में एक बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है, आ मेरे पेट से जन्म लेना। जैसे मैया उनको पलने में झुलाती हैं, अंगुल पकड़ करके ठुमक ठुमक करके उनको चलाना सिखाती हैं और उनको लाड़ प्यार देती हैं, शासन करती हैं, डांटती हैं, ऐसे ही आप मेरे लाला बन करके आना, फिर मैं आपको ऐसे शासन करूंगा। बोले ठीक है। कहते वही कौन बन करके आए? बोले नंद और जसोदा। और स्वाभाविक रूप में कृष्ण जन्म हुए और उनको शासन करती थी, लाड़ लड़ाई करती थी। कितना कारण हो गया? कितना कारण हुआ? कहते चार कारण हुआ है। पंचमा कारण है जिस समय राम लक्ष्मण सीता तीनों वनवास गए, अभी सुपर्णकामिनी का रूप देख करके मुग्ध हो गई और बड़ी सुंदरी बन करके आई। बोले प्रभु मैं जितने सुंदर है ना, तू भी ऐसे सुंदर हो, इसलिए मेरे से तुम ब्याह कर शादी कर ले। रामचंद्र ने कहा ऑलरेडी ये मेरी सीता है। इतने में लक्ष्मण गया हुआ था लकड़ी लेने के लिए, जब लक्ष्मण आया बोले भैया ये भी तो कम सुंदर नहीं। बोले ये कौन है? बोले ये मेरे छोटे भैया। बोले इससे शादी कर सकता हूँ? बोले तेरी जैसे मनमानी को कौन रोक सकता है, पूछ करके देख ले। बोले लक्ष्मण तू मेरे से शादी कर ले। लक्ष्मण बोली अभी अभी तो बड़ी भैया से कुछ मांग रही थी। बोले वो मेरे प्रेम को नहीं समझा, तू मेरे से शादी कर ले। बोले ये बताओ तू रानी बनना चाहते हो ना दासी? बोले रानी? बोले तो मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, मेरे से शादी करोगे ना, सेवा करते करते थक जाओगे, रानी बनने के स्वप्न देख रहे, जाओ राम के पास में जाओ। फिर राम से प्रार्थना की, फिर राम ने इनकार कर दी। बोले ये सीता जितने गड़बड़ी का कारण है, इसको खा जाती हूँ फिर तो तुम शादी करोगे। जब खाने के लिए गई, राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया तो लक्ष्मण उसको नाक कान काट दिए। बोले नाक कान क्यों काट दिए? कहते लक्ष्मण गुरु है। बोले गुरु का काम क्या है? बोले शिष्य को उपयुक्त बना करके भगवान की सेवा में लगाना। लक्ष्मण समझ गए इसने भगवान को अपना हृदय में बैठा चुकी है, भगवान भी स्वीकार कर चुके हैं। क्यों? भगवान भावग्राही जनार्दन। लेकिन अभी तो और किसका बन करके मत रहा कर, एक स्त्री जितने सुंदरी क्यों नहीं हो, उसका नाक कान तो काट दो, देखना दुनिया उसको कोई पूछने वाले नहीं। वही फिर रामलीला में क्या बन करके आती हैं? बोलो। कहती ये फिर ये कुब्जा बन करके आती हैं, ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। कहती ये कारण है। कितना हो गया? पांच कारण हो गया। छठवां कारण है, कल जब भगवान वामन देव आविर्भूत हुए, बलि महाराज का बेटी रत्नमाला वामन देव को देखकर मुक्त हो गई। बोले ऐसे अगर एक लाला होता तो दिन भर में गोद में लेकर उसको लाल लड़ाती। भगवान बोले कोई बात नहीं, लाला बन करके आ जाऊंगा। लेकिन जब दो पग में सब कुछ ले लिए और तीसरे पग रखने के लिए कोई जगह नहीं, उन्होंने बुलाया गौरू जी को, बोले उसको नाक पास बंधने में बांध दो। उनको बेटी ने देखा है तो बड़ा दुष्ट है, मेरे पिताजी का सब कुछ हरण कर लिया, पिताजी को बांध लिया। बोले अगर तुम मेरे बेटे बन करके आओगे ना, तेरे को दूध क्या, मैं तेरे को जहर पिलाऊंगी। वो फिर क्या बन करके आई? बोलो जोर से, ये पुतना बन करके आई। इसलिए ठाकुर जी को जगत में आना पड़ा। कितना हो गया? कितना हो गया? छह। सप्तम कारण बताए, जब भगवान दंडकारण्य में पहुंचे, बड़े बड़े ऋषि तपस्वी कठोर तपस्या कर रहे थे गोपाल मंत्र में, लेकिन उनको मंत्र में सिद्धि नहीं हो रही थी। लेकिन जब राम पहुंचे, आराधना कर रहे थे गोपाल मंत्र में, गोपाल मंत्र की, लेकिन जब राम पहुंचे ना, और राम श्याम एक ही है, अभी राम को देख करके उनको श्याम की याद आया और राम को बोले प्रभु हमें अपना पत्नी रूप में स्वीकार करो। बोले नहीं, सीता के सिवाय मैं और किसी को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ, फिर तुम्हारी सारी इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा। इसलिए सबके सब गोपी बने और ठाकुर जी उनको स्वीकार किया।
कहते बामन पुराण में आती है जो वेद का जो ऋचा है मंत्र, ये भी एक एक मूर्ति धारण करके कृष्ण की कठोर तपस्या की। भगवान जब संतुष्ट हुए बोले वर मांगो, बोले गोपियां जैसे आपकी सेवा की है, गोपी जिस भाव से आराधना करती हैं हमें गोपी भाव की प्रदान करो। बोले ठीक है, सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ। ये वेद का मंत्र, ये एक एक गोपी, ये गोपी कोई साधारण लड़कियां नहीं है, ये कोई लड़कियां नहीं है। इसलिए कितना कारण हो गया, कितना हो गया, सात हो गया। आठवां कारण बताए, जिस समय भगवान राम जनकपुरी में कहे विश्वामित्र जी को, बोले गुरु जी थोड़ी सी आदेश दो, ये जनकपुरी थोड़ा दर्शन करके आ जाए। बोले दर्शन करना नहीं, दर्शन दे करके आओ। जब राम लक्ष्मण जिस गली में जाए, क्या सुंदर जोड़ी, एक श्याम रंग के एक गौर रंग के, एक पीताम्बर और नीलाम्बर पहने हुए, धनुष बाण मुकुट जैसे चंद्र सूर्य एक साथ में प्रकट हो गए, बड़ी सुंदर ठाकुर जी थे। जिस गली में जाए, बोले श्री राम लक्ष्मण की, गली गली में जय जयकार हो रही थी। जितने किशोरियां थी ना सीता जी की सहेली, कोई छत के ऊपर से कोई झरोखों से दर्शन कर रही थी, लेकिन जो झरोखों से दर्शन कर रही थी उनका दर्शन हो रहा था, लेकिन जो छत के ऊपर में खड़ी थी ना उनका दर्शन नहीं हो रहा था। बोले क्यों, बोले जो राम है ये मर्यादा पुरुषोत्तम, ये कभी भी अपना सर उठा करके पराई स्त्रियों को कभी ठाकुर को भी देखे ही नहीं, वो सर नीचा करके जा रहे थे। ऊपर छत को ऊपर में जो थी ना वो दर्शन नहीं कर पा रही थी। इतने में वो जो सखियां थी थोड़ी सी खास है, मानो ठाकुर जी थोड़ा ऊपर सर करे ठाकुर का दर्शन हो जाएगा, लेकिन राम सर कभी नहीं उठाते थे। पीछे पीछे लक्ष्मण चलते थे। लक्ष्मण कौन है, बोले ये गुरु जी। बोले गुरु जी का काम क्या है, बोले ये जीव को परमात्मा से मिला है, बड़े दयालु गुरु जी होते हैं। लक्ष्मण बोले प्रभु देखो आपकी सखियां ये छत के ऊपर में खड़ी हुई है, आपको दर्शन करना चाहते हैं, थोड़ी सी उनको दर्शन दो। भगवान राम बोले लक्ष्मण ये जनकपुरी मायापुरी, खबरदार इधर उधर देखना नहीं, सर नीचे करके चलो, इधर उधर देखा देखो मत। लेकिन फिर जो सखियां थी फिर खासी, लक्ष्मण बोले प्रभु एक बार दर्शन तो दो आपका सखियों को। भगवान राम जब सर ऊपर उठाए, प्रभु का रूप देखते ही जितने सब किशोरियां ना सबके सब बेहोश हो गई। जब उनकी होश आई सबके सब राम के पीछे पड़ गए, बोले प्रभु राम हमें शादी कर लो, हमें शादी कर लो। राम बोले लक्ष्मण तेरे को पहले से ही मना कर रहा था, तू मानी नहीं, सब तुम शादी करो, तुमसे सब शादी कर ले। भगवान राम बोले देखो ये रामावतार में सीता के सिवाय में किसी को ग्रहण नहीं कर सकता, सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ, तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करूंगा। देखो हमारे जो बांके भी आ रही है ना बड़े दयालु है, कोई कुबड़ी भी आ जाए, कोई राक्षस से भी आ जाए, और जिसको दुनिया में कोई भी स्वीकार करने वाले नहीं हो, अगर ठाकुर के पास में आए ना, ठाकुर जी किसी को छोड़े नहीं, ठाकुर जी सबको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए हमारे बांके बिहारी बड़े दयालु है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। ये भी कारण है, कितना हो गया, आठ, अभी दस नहीं हुआ है। अभी नवमा कारण बताए, जिस समय जो आपको रामायण पता होगा, जो एक धोबिनी वो गई थी अपना पीहर, आते समय बीच में एक नदी पार करना पड़ता, लेकिन हो गया था शाम, रिमझिम बारिश हो रही थी, कपट ने मना कर दी, तुम अकेली स्त्री हो, अंधकार रात में तेरे को मैं पार नहीं कर सकता। अभी उसको मजबूरी में एक रात रुकना पड़ा। जब वो दूसरे दिन आई, कपट ने पूछा पिछली रात को तुमने कहाँ रुकी, बोले ऐसे ऐसे, बोले मैं राम है नहीं, सीता को रावण उठा करके ले गया, एक साल तक लंका में रखा, और सीता वापस आई तो भगवान उसको बराबर आसन दे दिया, मैं राम नहीं हूं, जहां पर तुमने एक रात बिताया जिंदगी भर जाओ वहीं पर बिताओ। लेकिन ये केवट, ये इसको केवट को ये पता नहीं था, इसको हैं, उसको ये पता नहीं था रावण नहीं, जिसे सीता को उठा करके ले गया था वो सीता थी नहीं, वो तो नकली सीता थी, मैया सीता तो जगजंबा जगजननी मां लक्ष्मी है, कहां रावण इनको स्पर्श कर सकता था। अब लोग रामायण देखे होंगे,
राम आने से पहले, रावण आने से पहले राम ये सीता को अग्नि के पास में, अग्नि की शरण में दे दिया था। बोला अग्नि जब तक मैंने ये रावण सहित राक्षस को मैं ध्वंस नहीं कर देता हूँ तब तक मेरी सीता आपके पास में रहेगी, ये सीता आपकी शरण में। वो नकली सीता थी लेकिन उसको तो ये बात पता ही नहीं था। इतने में राम जब ये बात को सुने उनने सीता को चिरकाल के लिए उन्होंने त्याग दिया। कहाँ त्याग दे दिया? लक्ष्मण को बोले तुम जंगल में छोड़ करके आओ, ये वाल्मीकि आश्रम में जाकर के सीता माता रुकी। जो रुकी भगवान हर साल में एक अश्वमेध यज्ञ करते थे। वशिष्ठ जी ने कहा देखो राम जब तक सीता नहीं हो नियम है कोई शुभ काम करने के लिए अपना पत्नी को वाम पार्श्व में बैठा करके शुभ काम करना पड़ता है, इसलिए तेरा पिता भी तो तीन तीन शादी किए तू और एक शादी कर ले। बोले और शादी मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी जो सीता है ना वो पवित्र है, सीता ये पवित्र है, मैं दूसरे को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। इसलिए बोले और कोई व्यवस्था बताओ। बोले और एक उपाय है, आप सोने के सीता बना करके अपना बाम पार्श्व में रख करके अब यज्ञ कर सकते हो। भगवान 11,000 साल तक हर साल में एक एक सोने की सीता बनती थी, वशिष्ठ प्राण संचार करते तो सीता साक्षात हो जाती थी। इतने सीते सब गई था, ये सब के सब द्वापर युग में ये गोभी बन करके आए और हमारे कन्हैया उनको स्वीकार किया। कभी ये एक कारण है, कितना हो गया? 9 कारण हो गया। 10वां कारण बताए, बोले एक समय वैकुंठ से ठाकुर जी के चरण की तुलसी चंदन की खुशबू ये वैकुंठ से बहते हुए ब्रह्मलोक में आए। ब्रह्मा के 4 मानस संतान थे, सनक सनातन और सनातन सनत कुमार, ये पहले ब्रह्म ज्ञानी थे। वो भगवान को निराकार निराकार मानते थे। ब्रह्मा बड़े दुखी थे, कहा मैंने इनको जन्म दिया, कृष्ण भक्ति रस पान करनी चाहिए, पता नहीं ये कहाँ फंस गए जा करके। लेकिन जब इनकी नासिका में तुलसी चंदन की खुशबू प्रवेश किया ये उन्माद हो गया। बोले पिताजी इतने सुंदर खुशबू कहाँ से आ रहा है? बोले ये वैकुंठ से ठाकुर जी की चरण तुलसी की सुगंधि। बोले जिनकी चरण तुलसी की इतने सुगंधि वो कितने सुंदर नहीं होंगे? बोले हाँ बेटे। बोले पिताजी इनको दर्शन करके आए, चलो जरूर जाओ दर्शन करो। ब्रह्मा खुश हो गए। बोले क्यों? बोले अभी तक भगवान को ब्रह्म 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 कह रहे हैं ना, निरा निराकार निराकार कह रहे हैं। बोले कब तक भगवान को निराकार कहता है? बोले जब तक ठाकुर का दर्शन नहीं कर लेते हैं। जब उनको दर्शन करेंगे ना ये सबके सब भूल करके ठाकुर जी का प्रेम में ही ये डूब जाएंगे। जब छठवां द्वारी को पार कर लिए और सप्तम दरवाजा पार करने का बाद ठाकुर का दर्शन, वहां पर जय विजय ने इनकी रास्ता रोक दिए। इनकी इतना क्रोध आया। बोले ये वैकुंठ है जहां पर काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, डर भय नहीं है, और हमारी रास्ता को रोक दिए क्योंकि जय विजय सोच रहे थे पता नहीं लक्ष्मी नारायण अभी अंदर में क्या करते होंगे, ये तो बिना पूछे अंदर में घुसते घुसते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने अभिशाप दिए, जाओ तुम दोनों राक्षस जन्म में जाओ। इतने में रोने लग गए। ठाकुर जी अंदर से आए, बोले क्या बात? बोले ऐसे ऐसे। बोले देखो अगर तुम लोग राक्षस जन्म में जाओगे 3 जन्म के बाद में मेरे पास में वापस आओगे, अगर मेरे भक्त बन करके जाओगे 7 जन्म के बाद में मेरे वापस आओगे, बताओ क्या चाहते हो? बोले ठाकुर जी हम तो ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपके पास में हम वापस आ जाए। बोले जाओ फिर तुम दोनों राक्षस जन्म में जाओ। वही दोनों सत्य युग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। तृतीय युग में क्या बन कर गया है? बोलो जोर से, रावण कुंभकर्ण। और द्वापर युग में शिशुपाल और दंत वक्र। बोले कलि युग में जगाई माधा, ये दोनों बन कर गया है। इसलिए ठाकुर जी इनको प्रेम प्रदान करके उनको उद्धार किया। इसलिए भगवान को इस सब कारण को लेकर के ठाकुर जी को जगत में आविर्भूत होना पड़ा। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। आज हम लोग श्रवण करेंगे कृष्ण कैसे नंद की लाला बन करके प्रभु गोकुल में जन्म हुए।
बोले श्री नंद बाबा का जो पिताजी थे उनका नाम था परजन बाबा। कहते इनके पांच बेटे थे, उपानंद, सुनंद, नंद, अभिनंद और नंदन। इनके पांच बेटे थे। पहले ये नियम हुआ करता था, जब किसी व्यक्ति को 50 साल हो जाता था कोई घर में नहीं रहते थे, सबके सब बाहर ब्रस्त चले जाते थे। और 25 साल तक ये नियम, जैसे अभी बच्चे लोग स्कूल कॉलेज में 25 साल तक पढ़ाई करते हैं, पहले ये सबके सब गुरुकुल में जा करके गुरु जी के चरण में रह करके वेद, उपनिषद, पुराण, जितने सारे ग्रंथों को अध्ययन करते थे। उसको बाद में गुरु जी प्रश्न करते थे, बोले बेटा अभी बताओ, अभी तुम क्या चाहते हो। अभी जो व्यक्ति ये शास्त्र ग्रंथ अध्ययन करके उनको पता चलता था ये जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है, 84 लाख जन्म के बाद में एक बार जीवन दिया, ये जीवन बारंबार नहीं मिलेगा, ये मुक्ति की दरवाजा पर खड़े हुए हैं, अगर ये जीवन को विषय भोग करा करके अगर जीवन को बिता देंगे फिर हमें ये 84 लाख जन्म फिर जन्म भटकना पड़ेगा। अभी जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता था, बोलते थे गुरु जी हम तो अब की चरण में रह करके भगवान की भक्ति करते हुए अपना मुक्ति मार्ग को हम प्रशस्त करना चाहते हैं। लेकिन जिनको ज्यादा ही संसार में आसक्ति होता था, बगैर शादी के रह ही नहीं सकते हैं, गुरु जी कहते थे बेटा जाओ अपना घर में जाओ, जा करके अपना धर्म कर्म के अनुरूप, अपना जात के अनुरूप शादी करना, ऐसे नहीं अपना मनमर्जी शादी कर ले जहां था, पहले ये सब चीज नहीं होती थी हैं? जैसे अपना वर्ण धर्म के अनुरूप जहां शादी करेंगे वहीं पर शादी करते हुए और दोनों मिल करके भगवान की भक्ति करो। लेकिन कब तक भक्ति करोगे, बोले 50 साल तक, घर गृहस्थी 50 साल तक करो, संतान को जन्म दो, उनको लालन पालन करो, उसको बड़ा बनाओ, बड़ा बनाकर शादी शुदा करके उसको बाद में जब 50 साल हो जाए ना फिर घर में नहीं रहना, इसलिए एका बन और बा बन, ये बन मतलब वृंदावन जाओ, अभी घर में नहीं, अभी वृंदावन जाओ, इसलिए एका बन, बा बन, 53, 54, ये बन 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 शब्द। इसलिए भागवत में बताए 50 ऊर्ध्वे वनम् व्रजत, 50 साल के बाद में वृंदावन में रह करके भजन करनी चाहिए हैं, वृंदावन में। उसको बाद में क्या आता है 68, 60, 61, 62, अगर भजन करने नहीं जाओगे ना फिर तुम सठिया बन जाओगे, फिर भक्ति बना बड़ा कठिन है, फिर 69, 70, कल मैं बता रहा था ना, इसलिए हाँ तुम तर सकते हो, बोले 60 सुधर 70 संगत पाई, अगर किसी भाग्य से हमें कोई शुद्ध संतों का दर्शन हो जाए, अगर उनकी कृपा हो जाए ना फिर तुम तर सकते हो, इसलिए 69, 70, 71 फिर तुम तर सकते हो। इसलिए जब अब रामायण भी आप देखे होंगे, जब दशरथ महाराज ने शीशा में देखा उनकी एक बाल पक गया है, उनकी एक बाल पक गया, बोले और नहीं रहनी चाहिए, बोले ऊपर से वार्निंग आ गया है, ऊपर से वार्निंग आ गया, ऊपर जाने का समय हो गया, भैया अभी भजन करने के लिए चलो। इसलिए उन्होंने राम को राज्याभिषेक करके जाना चाहते थे, वानप्रस्थ जाना चाहते थे, भगवान जिस काम के लिए हमें ये मानव शरीर दिया है वो मुक्ति की द्वार है, ये मानव शरीर नहीं ये मुक्ति की द्वार पर हम खड़े हुए। इसलिए एक दिन श्री परजन बाबा ने पांच बेटे को बुलाया, बोले देखो बच्चों तुम लोग बड़े हो गए हो, शादी हो गई, तुम लोग घर गृहस्थ में ठीक ठाक हो, हम चाहते हैं दोनों पति पत्नी हम जाकर के भजन करें, हम भक्ति करें। बच्चे बोले कोई पिताजी कोई बात नहीं, आप जाकर भजन कर सकते हो। बोले सबसे बड़े बेटे को मैं राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। बड़ा बेटा ने कहा पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का योग्यता ये नंदन है, क्योंकि समस्त राजा का गुण इसके अंदर, मझला बेटा थी नंद को अंदर में, इसलिए कहते ना नंद मतलब क्या है, आनंद दयत इति नंद, सबको जो आनंद रखे, सबको जो खुश रखे, क्योंकि जो राजा होता है प्रजा को अपना पुत्रवत पालना करनी चाहिए तभी कोई राजा बन सकते हैं, सबके सब प्रजा खुश हो गए, बोले सही बात है। तब उन्होंने नंद बाबा को राज्याभिषेक करते हुए उन्होंने भजन करने के लिए चले गए। अभी चार भाइयों का तो बच्चा है लेकिन केवल नंद बाबा का बच्चा नहीं, इसलिए परजन बाबा ने नंदगांव में एक शंकर जी जिनका नाम आशीश्वर महादेव,
और उन्होंने आशीष्वर महादेव को पूजा की, बोले हे आशीष्वर महादेव अब कृपा करो मेरे मझिला बेटा का एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए। आकाशवाणी हुई, बोले महाराज आप चिंता मत करो, आपके ऐसे बेटा का बेटा होगा ना विश्व ब्रह्मांड में जिनके नाम ख्याति होगा, और तुम्हारी जो कुल की जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तेरा कुल की जय जयकार होगा, साधारण बेटे होने वाले तुम्हारी नहीं। आकाशवाणी हुई, इसलिए उनका नाम आशीष्वर, मतलब जिन्होंने आशीष आशीर्वाद दिया है। एक दिन नंद जसोदा सोच रहे थे, हम लोगों ने जितने यज्ञ व्रत तपस्या तीर्थाटन सब कुछ कर लिए, घर में एक लाला का जन्म हो, लेकिन अभी तक लाला का जन्म नहीं हुआ, लेकिन अभी तक हमने एक व्रत नहीं किया। बोले कौन सा व्रत? बोले पुत्रदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी व्रत हमने नहीं की है, चलो हम दोनों पुत्रदा एकादशी व्रत को रखते हैं। जब उन्होंने एकादशी व्रत को रखे, ठीक ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा बड़ा सुंदर स्वप्न देखा, सुंदर आकाश में चमचमाते हुए एक नील मणि जैसे संतान, उसको पीछे बिजली जैसे चमकती हुई एक सुंदरी कन्या है। ये दोनों नंद बाबा के हृदय में प्रवेश किए, और नंद बाबा के हृदय से होकर के उन्होंने यशोदा के गर्भ में प्रवेश किए, और मैया यशोदा ने सुंदर बालक को जन्म दी, और मैया यशोदा की गोद में एक सुंदर नीलमणि जैसे एक बालक स्तन पान कर रहा है, करते समय उनको दोनों धारों से ये दूध बह रहा था, वह तो ये इनकी कुर्ता भीग रही थी। मैया यशोदा ने क्या स्वप्न देखी, उसको पीछे एक सुंदर बालक माँ 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 करते करते आ रहा है, कपड़ा खींच कर बोले मैया मेरे को गोद में ले ले, मेरे को दूध पिला दे, मचल रहे थे। और उसी रात को ही ये मैया यशोदा ने गर्भ धारण करी, और सारा ब्रज में हल्ला हो गया, भैया नंद के लाला होने वालों है, बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। अभी जितने गोपियां थी ना, कहते छह छह महीना पहले सबके सब 84-84 गज के लहंगा और चुंदरी बना करके रखे, बोले नंद के लाला होगा तो हम इसको पहन करके बधाई देने जाएंगे। और जितने गोप लोग थे धोती पगलबंदी टोपी बना करके रखे, बोले हम इसको पहन करके हम सबके सब बधाई देने के लिए जाएगी। अभी मैया यशोदा गर्भ धारण की हुई, लेकिन पहले तो मशीन था नहीं, बेटा होगा ना बेटी होगी, लेकिन पहले कुछ लक्षण से बड़ी बूढ़ी बता देती थी, बोले मैया यशोदे बोले तेरे लाला होने वाला है। बोले पता कैसे चला? बोले तेरे जो होठ है ना वो पीला पीला दिख रहा है, मतलब है ये तुम्हारी बेटा होने वाला है। एक बड़ी बूढ़ी गोपी बोली, बोले तुमने कुंवारी बड़ी में जुड़मा केले तो नहीं खा ली थी? बोले क्यों? बोले ऐसे लगता है तुम्हारे गर्भ में दो बच्चे हैं, सचमुच से कृष्ण और जोगमाया थी। जब गर्भ में बच्चे हो माताओं को चटपटी चीजें अच्छी लगती हैं, मिर्च मसाला खट्टा ये सब चीज अच्छी लगती हैं। मैया यशोदा बोली मेरे को तो खीर खाने की इच्छा कर रही है, तब बड़ी सुंदर खीर बना करके सालक राम जी को भोग लगाए और मैया यशोदा को खीर खिलवाए। और एक होता है गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार मतलब होता है गर्भ में बच्चे रहते समय माताओं को रामायण सुनाओ, ठाकुर जी की सुंदर सुंदर कहानी सुनाओ, ठाकुर जी की सुंदर सुंदर फोटो दिखाओ, क्योंकि आप जैसे देखोगे जैसे सुनोगे ना आपका पेट में जो बच्चा उसको ऊपर में ठीक वैसे संस्कार पड़ेगा। अगर गर्भ में बच्चे रहते हुए उल्टा पुलटा फिल्म देखोगे गंदी गंदी पिक्चर ना, वो बच्चा फिर गुंडा बनकर जन्म लेगा, वो गुंडा बनकर के जन्म लेगा, फिर पिता माता की कभी आदर नहीं करेगा, पिता माता की बात कभी नहीं सुनेगा। अगर गीता रामायण भागवत पढ़ोगे वो कैसे, बोले लव कुश जैसे संतान, प्रहलाद जैसे ध्रुव जैसे गर्भ से बच्चा जन्म ग्रहण करेगा। मैया यशोदा को सुंदर सुंदर ठाकुर जी की फोटो दिखाते हैं, सुंदर सुंदर ठाकुर जी की कथा सुनाते हैं मैया यशोदा को, ऐसे लग रहा था। और मैया नंद बाबा की एक बहन थी जिसका नाम थी सुनंदा, वो तो 6 महीना पहले से आकर घर में जम करके बैठी गई। बोले क्यों? बोले भाभी गर्भवती, जब बेटा होगा ना मेरे को नवलाख हार मिलेगी, इसलिए 6 महीना पहले आकर घर में बैठी गई। हाँ, घर का सारे काम काज को
खूब भाग दौड़ करके सारे काम काज को कर रही थी, और ऐसे लग रहा था माना आज रात को ही लाला की जन्म हो जाएगा। बोले एक काम करो, दो घंटा का ड्यूटी लगवा दो, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2। अभी 8 से 10 बजे तक बोले भले भैया ढोलकी लो और मजरा लो, मजरा लेकर क्या करो, ठाकुर की सुंदर सुंदर कीर्तन करो। बोले गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, बोले गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय हरि गोविंद, जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय राधा रानी की जय, महारानी की जय, 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 गिरधारी की जय, बनवारी की जय, बरसानी वारी की जय, जय बोल बरसानी वारी की जय, जय जय हरि गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद, 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 जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय 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 बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोले 8 से 10 बजे तक जिनको ड्यूटी लगवाई वो तो ड्यूटी की, लेकिन 10 से 12 बजे तक जिनको ड्यूटी लगाए इतने में जोग माया आकर के सबको सुला दी, कहाँ चिमटा गिरा, कहाँ मजरा, कहाँ ढोलकी, किसको पता ही नहीं। कब श्री वसुदेव महाराज आए मथुरा से बेटे को लेकर के, और यहाँ पर जो जन्म दो बच्चे जन्म हुए, कृष्ण और जोग माया, और यहाँ पर जो कृष्ण जन्म हुए थे वो पूर्ण कृष्ण है, मथुरा की जो कृष्ण वो अंश कृष्ण, वो अंश कृष्ण को पूर्ण कृष्ण एक कर दिए। लेकिन राता रात श्री वसुदेव महाराज को पता ही नहीं चला, उनने सोचा मैंने अपना बेटे को रख करके मैं आ गया और बेटी को लेकर के मैं आ गई हूँ। सबके सब सोए पड़े हुए निद्रा में, मोह निद्रा में, एकदम सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सुनंदा की आंख खुली, देखा सबके सब सोए पड़े हुए, किसको ज्ञान होश आवास नहीं। बोले भैया भाभी का क्या हालत है। उनने दरवाजा खोल करके देखा मैया की गोद में नीलमणि जैसे एक बच्चा किलकारी मारते हुए खेल रहा था। बोले भैया भाभी की बच्चा कब हो गया, किसको पता ही नहीं चला। ये सबसे पहला श्री नंद बाबा को खबर देनी चाहिए, मेरे को नवला की हार मिलेगी। बोले भैया कहाँ है, ढूंढते ढूंढते जो ब्रह्मांड घाट में पहुंची, देखा नंद बाबा तो माला जप कर रहे थे, माला जप हो नहीं पा रहा था, वो सोच रहे थे घर में छोरा कब है गो, लाला कब है गो, छोरा कब है गो, यही जप कर रहे थे। इतने में सुनंदा ने जा करके बोल दिया, बोले भैया कमाल है गए हुए। इतना बोलते ही तो नंद बाबा छलांग लगा दी। बोले बहन कहा भयो है। बोले पहले तो बताओ क्या मिलेगा, 6 महीना पहले आकर मैं बैठी हूँ, हैं 6 महीना पहले आकर मैं बैठी हूँ, पहले बताओ मुझको मिलेगा क्या।
बोले नहीं ये नवल्ला की तो हार ले ले। बोले भैया और क्या मिलेगा? बोले नवल्ला का हार तो दे दिया है। बोले भैया बात बहुत तो बड़ी बात है ना, इसलिए पहले और क्या दोगे बोलो? बोले जमुना किनारे में जितने जमीनी जगह तो तेरे नाम पर लिखवा दिया, इस सारे को तुम मालिक बन जा। बोले और क्या दोगे? बोले दिया तो नवल्ला की हार दे दिया, जमुना किनारे में सारे जमीनी जगह तो लिखे थे, तभी तेरा पेट नहीं भर रही है। बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी है। बोला और क्या दोगे? बोले ले ट्रेजरी का सारे चाबी काटे तू ले ले, जो इच्छा खोल करके ले लेना, लेकिन ये बता तो सही घर में कहा भयो है? बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है। बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। नंद बाबा तो वही सही दौड़ लगाए। ब्रजवासी बोले बाबा जीवन में पहला बार तुम लाला का मुख दर्शन करोगे, अरे कम से कम सज करके तो जा। बड़े सुंदर बगल में दी धोती टोपी, हाँ हमको पगड़ी, गले में माला, सुंदर तिलक लगा दी। बोले बाबा देखो कैसे लग रहे हो? बोले भैया बढ़िया तो लग रहे हो, लग रहा हूँ, लेकिन एक चीज की कसर रह गई। बोले किस चीज की? बोले जो दाढ़ी थोड़ी सफेद है। बोले चिंता क्यों करते हो? उसको भी कलर कर देते हैं, उसको भी काली बना दी। बोले बताओ अभी कैसे लग रहे हो? बोले भैया चोखो लग रहा हूँ, बढ़िया लग रहा हूँ। बोले जा अभी लाला का मुख दर्शन करो। नंद बाबा एक घर में संतान हो, उनने ऐसे कोई धर्म कर्म नहीं जो नंद बाबा ने किया नहीं, क्योंकि भविष्य में राजा कौन बनेगा। लेकिन जब पहला बार उन्होंने लाला का मुख दर्शन किया, मन मन में संकल्प की ब्राह्मण और संतों को मैं 20 लाख गैया में दान दूंगा, और 7 तिल का पर्वत, तिल दान का बड़ा महत्व है, इसलिए 7 तिल पर्वत मखमल वल कपड़े में ओढ़ करके संत ब्राह्मण को दान दूंगा। ये संतो ब्राह्मण के आशीर्वाद से जीवन में मैंने पहला बार लाला को मुख दर्शन किया है। पहले उनको बुलाओ और उनसे आशीर्वाद बच्चों को दिलाओ, और जितने ब्राह्मण संत आकर के स्वस्ति वाचन पढ़ करके लाला को आशीर्वाद दे रहे थे। एक नाई को भेजा, बोले जा पूरा ब्रज में ढिंडला पिटवा दे, नंद के लाला भैया सबके सब मेरे लाला को बधाई देने के लिए आए। जितने गोपियां, वो तो 6-6 महीना पहले से ही 84 गज की लहंगा चुंदरी बना कर रखे थे। जब सुना नंद के लाला भाई और राजा, अभी हमारा राजा जन्म लिया, सबके सब गोपिया सुंदर सुंदर साड़ी चुंदरी और पूरा सर से लेकर प्यार तक सुंदर अलंकार से श्रृंगार करते हुए दूध दही मक्खन को लेकर के सबके सब भागते भागते आ रही थी। और आते समय जो कान में कुंडल पहन रखी थी, वो कुंडल जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों? बोले तुम लोग को पहुंचने से पहले मेरे को छोड़ दो, सबसे पहले मैं जाकर के लाला को दर्शन करके बधाई दूं। चोटी में जो सुंदर सुंदर फूलों की माला से श्रृंगार की थी, एक एक फूल गिरते गिरते इनके चरण में गिर रही थी। बोले क्यों? बोले जो लोग नंद के लाला को बधाई देने जा रही है, उनके चरण की पूजा करनी चाहिए। अगर चोटी में रहेंगे तो खोल करके जमुना में बहा देंगे, अगर ब्रज रज में मिलेंगे, जब कृष्ण बड़े होकर के गली गलियों में प्रभु मक्खन चोरी करेंगे, ठुमुक ठुमुक करके चलेंगे, ठाकुर जी के चरण की स्पर्श हमें मिलेगा। वो गिरते गिरते जा रहा था, जितने गोपियां थी ना सबके सब जा करके मैया जसोदा को बधाई दे रही थी। मैंने बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, आप लोग जोर से बोलना बधाई हो बधाई हो, ठीक है? बोले मैया जसोदा बधाई हो। कुछ कुछ माताएं तो बोल रही हैं और कुछ माताएं चुप बैठी, ऐसे नहीं सबके सब, और एक बार जोर से बोले मैया जसोदा बधाई हो। मैया बोली बधाई हो बधाई हो ब्रज की गोपियों, तुम लोगों को आशीर्वाद से ये बुरी उम्र में भी मैंने लाला को मुख दर्शन किया है। लाला मेरो नहीं, ये लाला तो तुम लोग को लाला है। और जितने माताएं हैं ना हृदय से कृष्ण को बधाई दे रही थी। बोले जुग जुग जियो री जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो री जसोदा मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, मैया
मैं अभी बधाई गाएंगे प्रभु की बधाई थी और दो मिनट बाद इसलिए उन्होंने सबके सब हृदय से बच्चे को आशीर्वाद देते थे। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, नियम है अगर सचमुच से माताओं का हृदय से अगर बच्चों के लिए अगर आशीर्वाद निकले ना, कद अगर तुम्हारी ललाट में कोई उल्टा पुल्टा कोई चीज हो, अगर आप सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुओ और सचमुच से उनके हृदय से आशीर्वाद निकले, ब्रह्मा जो यहाँ पर उल्टा पुल्टा अगर होना वो मिट जाती है। इसलिए शास्त्र में बताया जो सवेरे उठ करके पिता माता को चरण छूते हैं, सास ससुर के चरण छूते हैं, कहते उनको चार चीज की प्राप्ति होती है, बोले बाल ऐश्वर्य जस और श्री, कहते ये चार चीज उनकी प्राप्त होती है। इसलिए नियम है सवेरे उठ कर क्या करो, अपना जो पिता माता सास ससुर की चरण छूनी चाहिए। अभी तो कोई चरण छूते नहीं, खड़े खड़े होकर उनको गुठन से ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं प्रणाम, ऐसे नहीं नियम है। अब देखना कोई बच्चा गुठन को ऐसे करे प्रणाम करे, लेकिन सचमुच से कोई माँ के चरण में गिर करके प्रणाम करे, देखना उसी समय माँ के हृदय से वो हृदय से आशीर्वाद निकलेगी। और ऐसे गुठन को ऐसे कर दिया ना, हाँ निकलेगा लेकिन हृदय से नहीं निकलेगी, वो ऊपर ऊपर से आशीर्वाद देगी। इसलिए सबके सब माताएं हृदय से भगवान को आशीर्वाद दे रहे थे हैं। इतने में सारे ब्रजवासी तो आ गए, अभी दो व्यक्ति अभी तक आए नहीं। बोले कौन? बोले एक वृषभानंद महाराज और कृतिका सुंदरी। ये कौन है? राधा रानी की पिता और माता। बोले अगर ये दोनों आ जाए ना, फिर तो ये उत्सव का हम प्रारंभ करेंगे। और देखते देखते सचमुच से कृतिका सुंदरी और वृषभानंद महाराज दोनों प्रवेश किए, राजा रानी है प्रवेश किए। और कृतिका सुंदरी 16 श्रृंगार द्वादश आभरण पहन करके और सर के ऊपर में दूध की मटकी, दही की मटकी और मिश्री मक्खन की मटकी, घी की मटकी लेकर के प्रवेश की। जब प्रवेश की अभी नंद महोत्सव प्रारंभ होगा, एक ब्रजवासी किया कि लठिया लेकर के वो मटकी को मारे, मारते ही वो मटकी तो फूट गई और कृतिका सुंदरी दूध दही से स्नान कर ली। जब स्नान कर ली, एक दधिकादी होता है, दधिकादी मतलब है दही में हल्दी और उसमें घी मिला करके एक दूसरों के ऊपर लगाते हैं, ये मंगलवाची है। इसलिए एक दूसरों को ऊपर लगा रहे थे और बोल रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बोला नंद के आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा जय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा सबके सब गा रहे थे। और मक्खन की डेले को डेले एक दूसरों के ऊपर में फेंकते जा रहे थे। एक 100 साल की माता जी थी, उसकी एक भी दांत नहीं, वो तो ऐसे देख रहे थे मुंह खोल करके। बोले भैया बड़े जोर के नंद महोत्सव है रहे। एक गोप ने उठाया मक्खन की डेला और वो माता जी की मुंह को लक्ष्य करके मारे। उसको तो एक दांत थी नहीं, उसको मुंह में लगा तो अंदर में सीता सटक गया। बोले भैया नंद महोत्सव में तो कोई भूखे नहीं रहते हैं, और वहाँ कीच कीच हो गया, एक दूसरों को ऊपर में फिसल फिसल कर गिर रहे थे। हमारे श्री कवि कर्णपुर बड़ा सुंदर वर्णना किया, बोले नंद बाबा का महल राज महल है, उनका आंगन बहुत बढ़िया आंगन, इतने दूध दही मक्खन लाए थे, पूरा आंगन आंगन भर गया था दूध दही मक्खन से, लग रहा था मानो जैसे एक खीर समुद्र प्रकट हो गया। अभी जितने ब्रजवासी थे ना, नंद बाबा तो बैठ करके मटक मटक करके देख रहे थे। कुछ नंदगांव बरसाना के कुछ गोप लोग बोले नंद बाबा आज तेरे घर में लाला भयो है, देखो सारे ब्रजवासी नाच रहे गा रहे, और तू तो बैठे बैठे करके देख रहे हो, अरे कम से कम आज का दिन तू तो नाच ले। नंद बाबा को पकड़ करके ना वो बीच में ले आए नंद बाबा को पकड़ करके, और चारों तरफ में दूध दूध। नंद बाबा देखने में कैसे बड़े लंबे चौड़े,
और गौरव वर्ण के थे। इनकी कमर में एक सुंदर फेटा बंधा हुआ था। फेटे को एक तरफ में नंदगांव के गोप, दूसरे तरफ में बरसाना का गोप, दोनों तरफ में पकड़ रखे। देखो कितना सुंदर वर्णन किया। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये लवण समुद्र देवता दैत्य मिलकर के मंथन किया। देवता कौन है? रजोगुणी। दैत्य कौन है? बोले ये तमोगुणी। और वहां से कितने रत्न निकला? बोले 14 रत्न निकला। और श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं, हे नंद बाबा कत रामा क्रीडान अभूत नृप। जब कृष्ण जन्म हुए, नंद बाबा इतने हीरे जवाहरात को लुटा रहे थे, ब्राह्मण लोग तो गठली बांध करके ले नहीं पा रहे थे। गठली की कोने से हीरे जवाहरात गिरते 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 जा रहा था। पूरा अली गलियों में हीरे जवाहरात बिखरा हुआ लग रहा था। ऐसे मानो कृष्ण जन्म देने पर स्वयं माँ लक्ष्मी गली गलियों में माँ लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही है, ऐसे लग रहा था। इसलिए सबके सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अभी यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णना करते हैं, जब कृष्ण जन्म हुए उसी समय में 33 करोड़ देवता लोग भी आए थे और नंद महोत्सव का दर्शन करने के लिए। भोले बाबा भी आए थे वहां पर, भोले बाबा श्री शंकर आए थे। शंकर जी का वाहन कौन है? बोलो, शंकर जी का वाहन कौन है? नंदी। अभी शंकर तो चक्र में पड़ गए। बोले क्यों? बोले नंद बाबा ने 20 लाख गैया उन्होंने दान दी। अगर 20 लाख गैया अगर दान दे, शंकर तो डर गए। बोले क्यों? बोले भैया इतने गैया दान दे रहे हैं, हो ना हो मेरे जो नंदी को अगर गैया मान करके दान दे देंगे ना, मेरी बहन चली जाएगी, फिर मैं बैठ करके किस में जाऊं। शंकर जी क्या किया उन्होंने, नंदी को पूछ को पकड़ कर खड़े हो गए, पूछ को पकड़ कर खड़े हो गए, मेरे नंदी दान में नहीं चली जाएगी। वहां पर माता पार्वती भी आई थी। कहते पार्वती को भी दो लाला है, कौन कौन है जोर से बोलो, कार्तिक और गणेश, दो लाला है। कहते ना हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा इतने हाथी घोड़े दान दे रहे थे। मैया बोली भैया मेरे लाला भी तो हाँ गजानन है, जिसका सर हाथी जैसे, ऐसे नहीं हाथियों को दान देते देते भूल से अगर मेरे बेटे को हाथी मान कर दान दे देंगे, फिर लाला ही मेरा चला जाएगा। उन्होंने तो गणेश जी को गोद में उठा करके बड़ी जोर से चिपका करके खड़ी हुई थी। कहते वहां पर स्वयं स्वर्ग से सारे धन दौलत की खजाना जिसको पास में है, कौन है जोर से बोलो, कौन है? कभी ये धन कुबेर भी आया था वहां पर महोत्सव को देखने के लिए। लेकिन नंद बाबा इतना धन दौलत हीरे जवाहरात तो दान दे रहे थे, यहाँ पर कुबेर भी उनका सर झुक गया। बोले ठाकुर जी मेरे को झूठ मूठ का क्यों, स्वर्ग की सारे संपत्ति का मालिक मेरे को क्यों बनाए? बोले क्यों, आज नंद बाबा इतने धन दौलत लुटा रहे हैं, भैया मेरे पास में भी इतने धन दौलत है नहीं। यहाँ प्रश्न होता है, क्या नंद बाबा इतने धन दौलत लुटाए, स्वर्ग में जो कुबेर है वो लज्जित हो गए, धन दौलत आया कहाँ से? बोले जब श्री कृष्ण जन्म हुए ना, वहां पर स्वयं भगवान की जो लादिनी शक्ति, उनकी स्वरूप शक्ति, उनकी जो पराशक्ति स्वरूपिणी श्री राधा रानी, जो सर्व लक्ष्मीमयी, वो साक्षात प्रकट हो गई। राधा रानी प्रकट हो गई, बोले आज इतने धन दौलत जैसे लूटे, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक याद करेंगे मेरे बांके बिहारी की जन्म उत्सव में नंद बाबा ने कितना दान दिए। आप लोग रामायण सुने होंगे, जब राम बरात आई अयोध्या से, जब उनने जनकपुरी में प्रवेश किया, देखा गांव के बाहर में जो छोटे जाति के लोग रहते थे, जो शौच क्रिया के लिए जा रहे थे ना, सोने की लोटे में पानी ले जा रहे थे, जो ब्रूस थी वो सोने की थी, और उनको जो भोजन कराया गया, वर्णन आती है, सोने की प्लेट, सोने की कटोरी, सोने की ग्लास, और एक बार खाओ डस्टबिन में फेंक दो, वर्णन आती है। अयोध्या वासी तो तरस उठे, बोले सोने की कटोरी, सोने की बाटी, सोने की ग्लास,
और एक बार को डस्टबिन में फेंक दो, उनको इच्छा हो रहा तो भैया कुछ उठा कर ले जाए। लेकिन भैया अगर फिर हमारी भगवान राम की बदनामी नहीं हो, बोले कारण क्या, बोले कारण है वहां पर माँ लक्ष्मी स्वयं, कौन है, श्री सीता देवी वहां पर, इसलिए रिद्धि सिद्धियों को आदेश दिए, अयोध्या वासियों को ऐसे स्वागत किया है, जब तक दुनिया रहेगा तब तक उन्होंने हैं ऐसे उनको प्रशंसा करे। श्री जनक महाराज ने श्री दशरथ महाराज को कैसे उन्होंने स्वागत की है, उसी तरह यहाँ पर माँ लक्ष्मी सर्व लक्ष्मी मई श्री राधा रानी यहाँ पर ब्रज में, इसलिए ब्रह्मा स्वयं कहते हैं बोले चिंता मणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लख्या वृतत सुरभि रभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसम् भ्रमसेपमानम् गोविंदंग मादि पुरुषम् तमहंग भजामि। ये पितामह ब्रह्मा ये वृंदावन की ऐश्वर्य को वर्णना करते हैं, बोले वृंदावन का भूमि कैसे, बोले चिंतामणि, चिंतामणि मतलब क्या, जो मांगो तुम्हें वही मिलेगा, जो मांगो वही मिलेगा। वृंदावन के वृक्ष कैसे, बोले वृक्ष नहीं वो कल्प वृक्ष, जो मांगो वृक्ष से तुम्हारी सब इच्छाओं को पूरी कर देगी। बोले वृंदावन की पानी कैसे, बोले पानी नहीं तो अमृतम, वहां का पानी अमृत है। और वहां पर जो गैया कैसे, बोले गैया नहीं सबके सब काम धेनु, ये विश्वामित्र को पास में, हाँ श्री वशिष्ठ को पास में काम धेनु था। अब सुने होंगे जब श्री विश्वामित्र सैन्य सामंत लेकर के आए, हजार हजार घोड़ा हाथी, कितने सैन्य सामंत है, एक काम धेनु ने ऐसे उनको स्वागत की, ऐसे स्वागत की जिसको देख करके विश्वामित्र चकाचौंध रह गए, बोले एक काम धेनु गैया की भी इतने प्रभाव है। इसलिए वृंदावन में जितने गैया है सबके सब काम धेनु, श्री वृंदावन में गैया सब काम धेनु है, इसलिए वृंदावन कोई साधारण भूमि नहीं, इसलिए इतने स्वागत की गई। लेकिन सबके सब वहां पर नाच रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सबके सब नाच रहे थे, लेकिन केवल एक व्यक्ति नाच नहीं रही थी, बोले कौन, बोले श्री रोहिणी, जो श्री बलदेव प्रभु का जो माँ, बोले वो क्यों नहीं नाच रही थी, बोले वो थी हैं कहती ये प्रसिद्ध भत्रिका। बोले प्रसिद्ध भत्रिका का मतलब क्या होता है, ध्यान देकर सुनो, कहती ये क्यों नहीं नाच रही थी, कहते वो थी प्रसिद्ध भत्रिका। बोले प्रसिद्ध भत्रिका का तात्पर्य क्या है, ये चीज को समझो, बोले जिसका पति विदेश में हो और दुख में, बोले पति कौन, बोले वसुदेव, बोले कहाँ पर, बोले मथुरा में, बोले किस रूप में, बोले कंस कारागार में बैठा है। जिसका पति विदेश में कारागार में बैठा हुआ हो उसकी पत्नी कभी सबको सामने नाच ही गई, वो नाच नहीं सकती है, इसलिए रोहिणी बड़ी दुखी होकर के बैठी हुई थी। और श्री बलदेव प्रभु जब से जन्म हुए तब से वो आंख बंद करके जन्म हुए, कहते इनके मन में इच्छा है सर्वप्रथम जब मैं आंख खोलूंगा सबसे पहले मैं अपना प्रभु कृष्ण को दर्शन करूंगा, इसी भाव से आंख बंद किए हुए। नंद बाबा ने देखा मेरे लाला की जन्म महोत्सव में यहाँ पर सबके सब तो नाच रहे गा रहे, लेकिन रोहिणी कहाँ है, ये रोहिणी की कहाँ गई। नंद बाबा ढूंढते ढूंढते देखा रोहिणी तो दुखी होकर घर में बैठी हुई। नंद बाबा बोले रोहिणी मेरे को पता है तू प्रसिद्ध भत्रिका, तेरे पति जेल में है, घर में तब तुम दोनों स्त्री हो, एक जसोदा एक तुम हो, जसोदा तो अभी बच्चे जन्म दी घर का काम काज देख नहीं सकती, अभी तो तुम्हें तो देखना पड़ेगा घर का काम काज को, और कम से कम अरे लाला को तो आशीर्वाद दे कर इतना तो करो। तब उन्होंने श्री बलदेव प्रभु को लेकर गए और कृष्ण को पास में लेटा दी। जब लेटा दी अभी तक बलदेव प्रभु आंख बंद किए हुए थे, लेकिन कृष्ण को पास में लेटाते ही इतने में उन्होंने आंख खोल दी। जब आंख खोल दी रोहिणी इतने खुश इतने प्रसन्न हो गई कि अभी तक मेरे लाला आंख बंद करके रखा था, आज का दिन उन्होंने आंख खोल दिए, उनकी आनंद की सीमा नहीं रही, फिर तो वो भी ठुमुक लगा करके नाचना शुरू कर दी। बोले श्री नंद के लाला की बढ़िया बताए, जय जय श्री राधे, बधाई सुन लो कि ब्रज में है रही जय जयकार,
नंद घर लाला जाया के लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। देखो भगवान जन्म हुए हैं, आपको खुश हो रहा है कि नहीं, किसको किसको आनंद आ रहा है, लगता है आपका आनंद नहीं आ रहा है। आनंद आता है ना, कम से कम खड़े होकर तो नाचते, कहते भगवान की जन्म उत्सव में जो नाचेगा ना उसको 84 लाख जन्म में नाचना बंद। और देखो हमारे माता जी को देखो, सबसे ज्यादा उम्र की सबसे पहले खड़ी होगी, और सबसे खड़े हो जाओ, देखो ठंडा हो रही है, थोड़ी सी नाच लोगे ना शरीर में गर्मी आ जाएगी। सोना मैया 80 साल की आयु में तो जाए
Hey, 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 hey
आनंद है, आनंद है, जय कन्हैया लाल की, जय गुण गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय गुण गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय गुण गोपाल की, आनंद की आनंद है, आनंद की आनंद है, आनंद जू के अंगना में हर बज रही आज बधाई, जो के अंगना में और बज रही आज बधाई, हरे नंद जू के अंगना में हर बज रही आज बधाई, लगाड़ा लगाड़ा जोर से बजियों में भी नृत्य करन को आई, लगाड़ा जोर से बजियों में भी नृत्य करन को आई, अरे मैं नाचन को आई, अरे मैं गावन को आई, मैं नाचन को आई, अरे मैं गावन को आई, अरे मैं नाचन को आई, अरे मैं गावन को आई, नंद के लाला की, ब्रज कृष्ण के कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। सब बैठ जाओ। हरे कृष्ण। देखो अभी हम लोग मथुरा चलते हैं। मथुरा में क्या हुआ, जब श्री वसुदेव महाराज कृष्ण को रख करके जोग माया को ले आए, अंदर में प्रवेश करते ही जोग माया ना माया ने रोना शुरू कर दी, पहरादार जग गए। कंस को बोले तेरे काल जन्म ले लिया। कंस भागते भागते आया, देखा बेटा नहीं बेटी। देवकी बहुत प्रार्थना की, मेरे तुमने छह छह बच्चों को मार डाले, कम से कम एक बेटी को छोड़ दे।
लेकिन आकाशवाणी क्या हुई थी उसमें ये नहीं बताया था बेटा होगे ना बेटी होगी, उसमें ये बताया था अष्टम गर्भ का संतान त्रिकाल बनेगा, लेकिन ये नहीं बताया था बेटा नहीं तो बेटी होगी, क्यों नहीं तो कंस को भी शंका हो जाता, अगर बेटी को देखता ना वो बोलते क्या बोलता, बोले बताया था बेटा बेटी कैसे हुई, इसलिए के बोले संतान का नाम ली थी। इतने में वो थी जोग माया, क्यों देवकी की गोद में थी, कंस स्पर्श करते ही राक्षस है ना वो हो गई महामाया। जब उसने पकड़ करके पछाड़ने के लिए गया, कंस को चरण की एक ठोकर मार करके आकाश में चली गई, कंस तो वहीं पर गिर पड़ा जैसे बिजली लगी, बोले रे मूढ़ कंस तू मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले लिया। देखो ये भी सही बात बताया, क्योंकि कृष्ण मथुरा में जन्म नहीं, कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए, कृष्ण तो जन्म गोकुल में हुए, इसलिए उनकी कंस ने देखा भैया ये तो मेरी आराध्या देवी, ये तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती, फिर क्या देवता लोग मेरे साथ में धोखे दी, बड़ा दुखी हुआ। देवकी के पास में गिड़गिड़ाते हुए बोले देवकी बहन मेरे को पता नहीं था ये देवता लोग भी झूठ बोलेंगे, मैंने बेकार तेरे छह छह बच्चों को मार डाला, लेकिन ये देवी कहती है मेरे शत्रु और कहीं जन्म ले लिया, तो मैं तो तुम्हारा बच्चों को मारता नहीं, लेकिन देवकी को पता है मेरे बेटा तो गोकुल में सुरक्षित है, मेरे बेटा गोकुल में है। इतने में कंस ने अपना अनुजाई त्रिनाभर्त सकटासुर पुतना अघासुर को बुलाए, बोले बताओ मुझे अभी क्या करनी चाहिए। पुतना बोली भैया मेरा नाम ही पुतना है, पुतना पुत माने पुत्र ना मतलब नहीं, मेरा नाम ही पुतना, फिर पुत्र का क्या जरूरत है, मैं अपना मन मर्जी रूप धारण कर सकती हूँ, कहीं अगर तेरा काल जन्म लिया तो एक महीना अंदर में तो जन्म लेगा। बोले हाँ, बोले मेरे को आदेश दे सारे बच्चों को मैं मार डालूंगा, पुतना घर घर में जा करके किसी घर में बच्चा नहीं जिंदा रहते, पता नहीं कब कैसे प्रवेश करके मार डालती, सारा दुनिया में सबके सब भयानक स्थिति हो गई, बोले किसकी घर में कोई बच्चा जिंदा नहीं रहता है। अभी वो आई गोकुल में, जब गोकुल में आई तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले पुतना काल भातिनी कंसेना प्रहिता घोरा पुतना बाल घातिनी। कहती है पुतना जब गोकुल में आई, सुखदेव गोस्वामी प्रश्न करते हैं पुतना का और एक अर्थ है, पुत मतलब होता है पवित्र और ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं अपवित्र राक्षसी। कहते भैया ये राक्षसी कहाँ प्रवेश करती है, बल नजत्र सबरा दिनी रख्य ज्ञान सुकर्मसु, जिस घर में प्रभु का नाम कीर्तन हो ना उसी घर में ये पाप प्रवेश नहीं कर सकता, क्यों भगवान का नाम मंगल भवन अमंगलारी। आपका घर में रोज रोज थोड़ा कीर्तन करना, देखना घर का जितने दुख कष्ट आपत्ति विपत्ति सब खत्म हो जाएगी, घर में उल्टा पुल्टा ग्रह कभी प्रवेश नहीं करेगा, क्यों ठाकुर का नाम कीर्तन हो रहा है। कहते वहीं पर ये अविद्या पाप प्रवेश करती है जहां पर भगवान का कीर्तन भजन नहीं हो, लेकिन यहाँ पर तो स्वयं आनंद गंध भगवान कृष्ण स्वयं, पर ये पुतना कैसे आ गया। तब हमारे टीकाकार लोग कहते हैं भैया ये पुतना है ना एक तरह से ठाकुर को लीला को मदद करने वाले, आप बताओ रावण नहीं होता तो रामलीला बनता कभी, कंस नहीं होता तो कृष्ण लीला कभी बनता, बनता नहीं। इसलिए जिन जिनियों को हम शत्रु देख रहे हैं वो एक तरह से भगवान का लीला को मदद कर रहे हैं, अगर ये पुतना नहीं आती फिर कथा हम सुनते बैठ कर क्या। कहती है ठाकुर जी की इच्छा है पुतना आई यहाँ पर, जब पुतना आई वो बड़ी सुंदर लड़झड़ श्रृंगार करके आई थी, ऐसे लग रहा था मानो कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं वैकुंठ से उतर करके आ गई ठाकुर को स्वागत करते हुए। कुछ गोपियां जा रही थी नंद भवन में बधाई देने के लिए, जब जा रही थी उनको साथ में हिल मिल करके वो सीधा अंदर में चली गई। उसी समय मैया जसोदा और रोहिणी कृष्ण को पलने में झूला रही थी और बोल रही थी बोले जीव श्याम लाला जीव श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग। अभी गोपियां बड़े सुंदर बधाई गा रही थी, मैया जसोदा श्री रोहिणी सीधा पुतना गई, कोई बोल चाल नहीं कृष्ण को पकड़ लिए, बोले मैया मैया इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलना में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए। लेकिन जसोदा
रोहिणी कुछ बोल नहीं सकी, बोले क्यों नहीं बोली? कोई अनजान व्यक्ति आपका घर में आए, अपना बच्चे को गोद में उठा लेगी कि आप बोलोगे नहीं कुछ? कभी ये पुतना देखने में इतने सुंदर थी, मैया जसोदा सोच रही थी मेरे लाला जितने सुंदर है ना, इसकी मैया बनने का लायक तो यही है। मतलब इतने सुंदर ही बन करके आई, सुंदर क्यों बन करके आई थी? कोई रोकेगा नहीं, ठोकेगा नहीं, इसलिए वो सीधा अंदर में जब पकड़ ली, पकड़ करके जब गोद में उठा ली, इतने में कृष्ण आंख बंद कर दिए। बोले आंख क्यों बंद किए? हमारे टीकाकारों ने इसका पीछे इतने रहस्य बताए, उसमें 10 कारण बताए कृष्ण आंख क्यों बंद किया। मैं आज 5 कारण बताऊंगा, कल आपसे सुनूंगा, देखूंगा जो बड़े को बोलेगा ना उसको मैं इनाम दूंगा। कृष्ण आंख क्यों बंद किए, आप लोग ध्यान देकर सुनना, कल सबको मैं पूछूंगा, जो बोलेगा देगा ना उसको कल मैं बढ़िया इनाम दूंगा, ठीक है? इसका इसका पहला कारण है कृष्ण आंख बंद क्यों किए। बोले पहला कारण बताए, बोले कृष्ण आए क्यों? बोले परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। इसलिए भगवान आए दुष्टों को संहार करने के लिए, भक्तों को रक्षा करने के लिए। अभी प्रभु सर्वप्रथम श्री गणेश करने जा रहे हैं, सबसे पहले प्रभु पुतना को मारे, अभी श्री गणेश करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसको मारेंगे। लेकिन मारेंगे तो प्रभु, लेकिन वो तो माँ के रूप धारण करके आए, कृष्ण को प्यार दे रहे हैं। बोले मैया इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलना में झुलानी चाहिए, उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए, माँ की भाव से पकड़े। यद्यपि कृष्ण दुष्टों को संहार करते हैं, लेकिन बड़े दयालु हमारे ठाकुर जी, हे कृष्ण करुणा सिंधु। ठाकुर तो करुणा के सिंधु है, वो तो दया के सागर है। यद्यपि मारने जा रहे हैं, लेकिन तब भी ठाकुर जी दयालु सोच रहे हैं, ये तो माँ के रूप धारण करके आए, जब मैं मारूंगा अब ये छटपट छटपट करेगी, अब इसका दुख को मैं कैसे देख सकता हूँ जो माँ के रूप धारण करके आए, इसलिए ठाकुर जी आंख बंद कर दी। ये पहला कारण। दूसरा कारण है कृष्ण सोचे तुम बच्चों को मारने के लिए आई, तेरे को पता ये ब्रज में सब बच्चे कौन है? मेरे सखा सखी है, कहीं ललिता, कहीं विशाखा, कहीं चंपकलता, कहीं तुगोविद्या, मेरे सखा दाम वसुदा मधुमंगल सुबल, मेरे सखा जन्म हुए हैं, मेरे सखा सखियों को मारने के लिए आए हो, तेरे मुंह में देखना नहीं चाहता। इसलिए ठाकुर जी ने क्या किया, अपना आंखों को उनने बंद कर दिया। कितना कारण हो गया, अब लोग कोई गिन नहीं रहे, कितना हो गया? मैं सबको कल पूछूंगा, देखूंगा कौन उत्तर देता है। इसका तीसरा कारण बताए, कहते बच्चों का एक स्वभाव देखना, अगर अपना परिचित किसी व्यक्ति हो ना, घर का कोई सदस्य हो, देखना वो आसानी से गोद में चला जाता है, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति देखे ना सहज में गोद में जाना नहीं चाहता, वो डर जाता है। बोले ये तारीखे कहाँ से आ गई, इसको तो हमने कभी देखो ही ना, कभी ये कहाँ से आ गई? इसलिए मानव भगवान ने उसको उन्होंने आंख को बंद कर दिया। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण बताए, वो स्तन में कालकुट जहर लेकर के आई थी, जब भगवान उसको पान करेंगे गर्भ में सारे जहर जाएगा, लेकिन भगवान की उदर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड विद्यमान, विश्व ब्रह्मांड घबरा गए प्रभु, इसकी स्तन में केवल जहरी जहर है, अगर आप पान करोगे ना आपका गर्भ में विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा, इसलिए हे प्रभु आप मत पियो इसका स्तन को, घबरा गए। इतने में कृष्ण आंख बंद करके श्री भोले बाबा को बोले, बोले भोले बाबा जल्दी जल्दी आओ। बोले क्यों? बोले क्यों किया, तेरा काम है विष पीना, मेरा काम है दूध पीना, इसलिए तू तो जहर जहर विष विष को पी ले और मैं दूध दूध को मैं पी लेता हूँ। इसलिए भगवान आंख बंद करके भोले बाबा को बुलाए। पंचमा कारण बताए, कृष्ण सोच रहे हैं भैया ये है कौन, क्योंकि कहते यद्यपि समाधि सु विधिर भी पश्यति नतव नघाग्र मरिचीन, जिन चरणों को पाने के लिए शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश निरंतर ध्यामे, लेकिन जिस भगवान को पाप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जिनकी चरण की नख की छटा तक भी दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन ये पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य की भगवान को गोद में ले रहा है? इसलिए ठाकुर जी आंख बंद करके उसको पूर्व जन्म को सोच रहे थे, ये क्या कर्म की, कौन सा पुण्य की? बोले सचमुच से ये पुण्य की। बोले क्यों? भगवान जब वामन अवतार में बलि महाराज का घर पर पहुंचे, उनकी बेटी जो रत्नमाला थी, वो मन मन में सोच रही थी अगर ऐसे लाला होता है ना
तीन भर में गोद में लेकर इसको मैं प्यार करती। भगवान बोले कोई बात नहीं, लाला में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो दो पग में सब कुछ लेकर के तीसरे पग रखने के लिए जगह नहीं, उन्होंने उनको नाग फांस बंधन में बांध दिए। और बेटी कह रही बड़ा दुष्ट है, मेरे पिताजी का सब कुछ हड़प लिया, फिर मेरे पिताजी को बांध भी दिया, बोले अगर तुम मेरे बच्चा बन करके आओगे ना, तेरे को स्तन क्या पिलाओगी, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगी। बोले कोई बात नहीं, लाला बन भी जाऊंगा, तेरे जहर भी पी लूंगा। इस सब कारण से भगवान कृष्ण आग बंद किए। अभी जब उनको स्तन में मुंह में स्तन दी, भगवान ने क्या किया, उसको प्राण को शोषण की। केवल 6 दिन का बच्चा उतना देखी, ये क्या कर रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे प्राण को शोषण कर रहा है। पुतना ने छुड़ाने के लिए कोशिश की, भगवान ने बोले देखो मैं सहज में किसको पकड़ता है ही नहीं, अगर एक बार किसी को पकड़ लू ना, अभी तक तो मैंने किसको छोड़ा ही नहीं, जब तक अपना चरण में नहीं पहुंचा दूंगा तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तू स्वयं मेरे पास में आई और मेरे को गोद में लेकर कितने प्यार दी, मैं कभी तुमको छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकती। जब उसने छोड़ी नहीं, अभी सोच रही है किसी तरह से मैं अपना भैया कंस को पास में चले जाऊं, मेरे भैया कुछ व्यवस्था करेगा। इतने में आकाश में पुतना उड़ चली, भयंकर रूप थी उसकी। जब उड़ चली बोले कहां जा रहे हो, मेरे पास में आकर के मथुरा बन जाओगे, नहीं जाने दूंगा। कंस का एक सुंदर बगीचा थी, सबसे सुंदर बगीचा, जिसमें फल फूल से भरा पड़ा हुआ, लेकिन कंस का निर्देश था यहाँ की कोई भी फल फूल किसी ब्रजवासी और भगवान की सेवा में नहीं लगनी चाहिए। कहाँ लगनी चाहिए, मेरे और मेरे जितने अनुजाई ना, ये जितने सबके सब अघास और बकास और तृणा बर्तव, इनको मिलनी चाहिए, कोई ब्रजवासी भगवान को नहीं मिलनी चाहिए। ठाकुर जी ने सोचा आप देखो दुनिया बनाया मैंने, दुनिया मेरा, मैं दुनिया बनाया क्यों, मेरे भक्तों लोगों के लिए मैंने बनाया, मेरे लिए बनाया, मेरे को और मेरे भक्तों को नहीं मिलेगा और जितने दुष्टों को मिलेगा, इसलिए जोग माया ने उनको उड़ा कर उसी बगीचा में लेकर के धड़ांग करके उन्होंने गिराया, सारे पेड़ पौधा को तसनस कर दिया। बोले श्री रामचंद्र प्रभु की जय, आ जाओ। इसलिए उन्होंने सारे पेड़ पौधा को उन्होंने तसनस उन्होंने कर दी। देखो हमारे जो टीकाकार लोग बहुत इसको पीछे बहुत अच्छी बात बताते हैं। देखो आप लोग तो 7 दिन तक कथा सुनोगे, लेकिन कम से कम आज इतनी सी शिक्षा लेके ले जाना यहाँ से। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल वृंदावन में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे नान गली में राधे राधे नान गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे बरसाने में राधे राधे ककरी कोर पे राधे सौली में राधे राधे राधा कुंड पे राधे राधे श्याम कुंड में राधे राधे मानसी गंगा राधे राधे श्री हरि देव में राधे 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 बोलते वृंदावन बिहारी लाल की हरे कृष्णा। हाँ देखो ध्यान देकर सुने। हाँ देखो सात दिन तक हम कथा सुनेंगे। आज आप लोग एक चीज साथ में लेकर जाना, कल क्या लोगे? हमारे श्री जीव गोस्वामी इसको पर टीका लिखते हैं। ये पुतना को उन्होंने ये बगीचा पर क्यों ले गए? लेकिन ये ब्रजवासियों का कोई भी थोड़ी सी भी चीज उनको नुकसान ही नहीं पहुंची, लेकिन कंस का पूरा के पूरा उसका सबसे प्यारा बगीचा उजड़ गया। बोले क्यों? कारण क्या? बोले कारण है ये जो दुनिया को ठाकुर ने बनाया। उपनिषद कहता है ईसा बास्यम इदम सर्वम जत किंचा जगता जगत। ये जगत में हम जो कुछ देख रहे हैं ये ठाकुर ने बनाया, हमने कोई चीज नहीं बनाई। नियम है हम जो कुछ खाए सबसे पहले ठाकुर को भोग लगाओ। बोले तेना तेक तो ना भगवान को सामने तुलसी पता देकर सबसे पहले ठाकुर को भोग लगाओ, भोग लगा करके फिर भगवान का प्रसाद पाओ। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन प्रसादे सर्व दुखानाम हनिरस्य उपजायती। जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाता है उसका जीवन का सब दुख खत्म हो जाता है भगवान कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मेरे को भोग नहीं लगाएगा बोले भुंजन्ते तु अघम पापा, वो केवल पाप भोजन करता है जो मेरे को भोग नहीं लगाता है। इसलिए नियम है ठाकुर तो हर चीज भोग लगा करके खाया करो। कौन कौन भोग लगाते हो? कौन कौन भोग लगाते हो? जो लोग लगाते हो अच्छी बात है, और जो लोग भोग नहीं लगाते हो कोशिश करना आज से ठाकुर जी को जरूर भोग लगाए। हम लोग कहते हैं ना भगवान को प्रसाद, भगवान को भोग लगाने पर कमी नहीं रहता है, भगवान का प्रसाद कभी कमी नहीं पड़ता है, प्रसाद बढ़ जाती है। आप लोगों ने सुदामा का नाम जानते हो, ये सुदामा पहले इतने गरीबी क्यों बना फिर बाद में ये धनी क्यों बना? कारण क्या? बोले कारण है आप लोग देखे होंगे
जब कृष्ण सुदामा जंगल में जा रहे थे, इनको गुरु माता ने सुदामा जी को चाना दिया था। बोले सुदामा कृष्ण को देख करके चाना खाई हो, लेकिन आप लोग देखे होंगे वो कृष्ण को बिना दिए छुपा छुपा कर उसने खाए। कृष्ण बोले मेरे को छुपा छुपा कर खा रहे हो, इसका तेरे को फल भुगतना पड़ेगा। इतने दरिद्र उसने बना। जब उसकी पत्नी को पता चला इनकी बचपन का सखा कृष्ण, बोले एक बार आप कृष्ण दर्शन करके आओ। बोले खाली हाथों में नहीं जानी चाहिए। उनने दो मुट्ठी चिड़वा लेकर गई। ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए। जब तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे, रुक्मणी हाथ पकड़ी, बोले नहीं प्रभु, आपने दो मुट्ठी खा लिया, इसको घर में सारे ऐश्वर्य पहुंच गई। अगर तीसरी मुट्ठी खाओगे ना, इसकी घर में मेरे को दासी बनना पड़ेगा। जब सुदामा घर में आया, सोने की महल, उसकी पत्नी राज रानी बनकर के बैठी हुई। शिक्षा देते हैं, अगर हम भगवान को भोग लगा कर खाएंगे ना, घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। क्यों? हर चीज हम पैसा से खरीदी करते हैं। पैसा लक्ष्मी, पैसा हमारी नहीं, पैसा ठाकुर जी की। अगर वो ठाकुर जी को सेवा में अगर लक्ष्मी लग जाती है ना, फिर तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आशीर्वाद देती, बेटा खूब फलते फूलते रहो। अगर लक्ष्मी ठाकुर को सेवा में नहीं लगेगी ना, भले ही घर में करोड़ रुपया आ जाए, वो घर में शांति सुख नहीं देगी। क्योंकि लक्ष्मी को हम भोग करना चाह रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी हमारी नहीं, लक्ष्मी ठाकुर जी को लक्ष्मी है। ठाकुर को सेवा में लगेगी तभी लक्ष्मी खुश रहती है, नहीं तो लड़ाई झगड़ा लगा देगी, नहीं तो कोई बहुत बड़ी बीमारी लगा देगी, नहीं तो कोर्ट कचहरी लगा देगी, नहीं तो घर में अशांति फैला देगी। क्यों? वो लक्ष्मी ठाकुर जी की, वो ठाकुर को सेवा नहीं लग करके ये हमें, हम इसको भोग करना चाहते हैं। इसलिए आप लोग इतना इस चीज लेकर के जाओ, हमारे तो अक्सर करके यहाँ पर भक्त लोग हैं, ये तो लगाते हैं। जो लोग ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते हो, जरूर ठाकुर को भोग लगाओ। लेकिन कभी कभी हम कहते हैं हम तो भोग लगाते हैं। बोले कैसे? बोले खुद तो प्याज लहसुन खाते हैं और ठाकुर को थोड़ी बतासा, नहीं तो थोड़ा दूध कर देते हैं। ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, जैसे आपका घर में कोई नौकर है, वो नौकर बढ़िया बढ़िया खाना बना बना कर खाता है, लेकिन मालिक को जैसे तैसे बनाकर खिला देता है। अगर मालिक को ये बात पता चले तो मालिक क्या करेगा? वो नौकर को घर से निकाल देगा घर से। बोले रह रहे हो मेरे घर में, सब कुछ खाते हो मेरा, और मेरे को जैसे तैसे बनाकर दे देते हो, और तू चकमाल रोज रोज घोट रहे हो। ऐसे नहीं होनी चाहिए। और एक चीज, अगर हम प्याज लहसुन डालेंगे फिर भोग नहीं लगा सकते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए जैसे प्याज लहसुन हम नहीं खाए। कल हम सुन रहे थे ना, प्याज लहसुन किसकी कैसे बनी? ये दत्त्य की मांस से ये प्याज बना, उसकी हड्डी से ये लहसुन बना, उसका खून से ये मसूर दाल बनी है, हैं? ये तीन चीज पाप चीज है। इसलिए नवरात्रि में 9 दिन तक ये प्याज लहसुन को कोई ग्रहण नहीं करते। इसलिए कोशिश करना इस घर से प्याज लहसुन निकल जाए, शुद्ध रूप में बने और भगवान के भोग लगे। जो पुतना का शरीर को जब जलाया गया, उसको शरीर से चंदन कर्पूर अगुर की खुशबू निकली है, और जो दूर दूर में थे उनको ऐसे लग रहा था कि आज स्वर्ग लोगों से ना कोई वरुण लोगों से ये खुशबू आ रहा है। सबके सब ब्रजवासी वहां पर इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया। देखो यहाँ पर हमारे टीकाकार कहते हैं, कृष्ण ये 6 दिन में क्यों पुतना को मारे? कृष्ण ये 6 दिन में ही कृष्ण पुतना को क्यों मारे? इसका क्या रहस्य? इसका रहस्य बताए, पहले नियम होता था जो कोई बच्चा जन्म होता था, कम से कम 21 दिन नहीं तो 1 महीना तो घर से बाहर नहीं निकालते थे, घर में अशुद्ध ही रहता था। घर में कंडा जला करके बच्चों को सिखाई करते थे कि तो हमारे गांव में जो चीज देखा है, 21 दिन तक 1 महीना तक अपवित्र रहते थे, हैं? उसको स्पर्श नहीं करते थे। जब कृष्ण गोकुल में जन्म हुए, अभी पूरा ब्रज में हला हो गया, अंदर में केवल माता ही जा सकती थी, पुरुष लोग तो जा ही नहीं सकते थे। कृष्ण जब जन्म हुए ब्रज में हला हो गया, क्या सुंदर बालक जन्म लिया, देखने में तो काले हैं लेकिन दुनिया को आलोक करने वाले, क्या उनकी आंखें, क्या उनकी नाकें, इतने सुंदर कृष्ण थे। अभी जितने ब्रजवासी तरस रहे थे, ये कृष्ण दर्शन कब मिलेगा, कृष्ण हमें दर्शन कब देंगे? लेकिन घर में सब नहीं प्रवेश कर सकते, सभी घर में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन तरस रहे थे।
अभी कृष्ण सोच रहे हैं ये ब्रजवासी तो तरस रहे हैं मेरे को दर्शन देने के लिए, दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन करे कैसे। उन्होंने पुतना को बुलाया और पुतना किया कि वो तो स्त्री थी, घर में गई और कृष्ण को पकड़ कर सीधा बाहर निकाल दी। जब बाहर निकाल दी जितने ब्रजवासी थे सबके सब वहां पर इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के उन्होंने भगवान को दर्शन कर लिया और इनकी सभी के हृदय में तसल्ली, सबके सब प्रसन्न हो गए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए कृष्ण सबसे पहले पुतना को मारे। आप लोग बताओ तो भगवान राम सबसे पहले किसको मारे, कौन बोलेगा जोर से बोलो, भगवान राम किसको सबसे पहले मारे, ये ताड़का को, कृष्ण किसको मारे, ये पुतना को। देखो दोनों प्रभु करी करी बराबर उन्होंने सिखा दिया है। बोले पुतना का मतलब क्या है, बोले पुत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं अपवित्र है। ठाकुर जी सिखा देते हैं मेरे को हृदय में कोई बैठना चाहते हो पहले पुतना को मारो हैं। और भगवान राम ने ताड़का को मारे, बोले ताड़का मतलब क्या, बोले ताड़ा यति इति ताड़का, जीव को जो ताड़न करे, ताड़न मतलब भगाए। हमें संसार में कौन भगा रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यही हमें संसार में भगा रहे हैं। इसलिए दोनों प्रभु कर करके एक लीला की, ताड़का, देखो तीन अक्षर, पुतना, ये भी तीन अक्षर, पुतना स्त्री, ताड़का भी स्त्री है, इसलिए दोनों ठाकुर एक ही लीला करते हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भैया किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मानी। हम पहले श्रवण कर रहे थे, ये पुतना के अंदर में सारे दुर्गुण दुर्गुण था। पहले नंबर में तो थी पुतना मतलब जो पवित्र नहीं, दूसरे नंबर में राक्षसी, तीसरे नंबर में कृष्ण के लिए जहर लेकर के आई थी, चौथी नंबर में बच्चों को खून पी रही थी। लेकिन इतने बड़े पापी को ठाकुर जी कहाँ स्थान दे दिया, बोले गोलोक वृंदावन में स्थान दे दिया उनको, गोलोक वृंदावन में ठाकुर स्थापन दे दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते अगर कोई ठाकुर जी को श्रद्धा पूर्वक अगर थोड़ी भक्ति करे फिर ठाकुर जी उनको क्या नहीं दे सकते हैं। इसलिए भक्ति करना तो किसको भक्ति करो, बोले भगवान कृष्ण को, वाक्य बिहारी को ही भक्ति करनी चाहिए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ देखो आज हम लोग का बड़ा सौभाग्य दिन है, हमारे बीच में हमारी जो रमण बिहारी गौड़ीय मठ है, ये रमण बिहारी गौड़ीय मठ के जो हमारी जो इंचार्ज है, वहाँ की जो सेक्रेटरी हमारे श्री रामचंद्र प्रभु जी, ये जैसे हमारी एक माँ जैसे बच्चों को देखभाल करती हैं, जैसे हम लोग तो विदेश जाते हैं सब इनकी कृपा से जाते हैं, और हमारे सारे मठ को ये बहुत अच्छे तरह से हमारे सोसाइटी को जैसे माँ बच्चों को देखभाल करती, प्रभु ऐसे हम लोगों को ये देखभाल करते हैं। और इनका हृदय तो इतने दयालु, इतने कृपालु, जो सोच भी नहीं सकते इतने इनके हृदय दयालु। प्रभु जी हमारे जो बड़े गुरु जी थे उनको इतने सेवा प्रभु ने की, सारे नौकरी खोकरी सब छोड़ छाड़ करके हैं, सब कुछ इन्होंने श्री गुरु जी की चरण में दे करके संपूर्ण जीवन उन्होंने गुरु जी की उन्होंने सेवा की इन्होंने। इसलिए आज कृपा करके प्रभु जी हमारे बीच में पधारे हैं, प्रभु जी हम लोगों को कुछ अच्छी अच्छी उपदेश प्रदान करेंगे जैसे हम भक्ति मार्ग में चल सकते हैं। श्री रामचंद्र बोल माइक तो माइक नहीं पहुंच सकते माइक अज्ञान चमरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाये प्रियात्मने शिशिमत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदारे माधुरे गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंदा सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एक बार फिर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रभु विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मंच व्यास आसन पे आसीत पूज्यपाद भक्ति वेदांत सीधे महाराज जी के चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। मैंने पढ़ा था कि भक्ति देवी स्वतंत्र होती है। जैसे भगवान कृष्ण स्वतंत्र हैं वैसे भक्ति भी स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि वो भगवान कृष्ण की ही शक्ति है, स्वरूप शक्ति की एक किरण है। इसे शास्त्रों में वृत्ति बोलते हैं। वृत्ति मतलब नेचर है। स्वरूप शक्ति की जो नेचर है वही भक्ति है। किसकी स्वरूप शक्ति? भगवान कृष्ण की। तो जैसे भगवान वैसे ही उनकी शक्ति। भगवान स्वतंत्र सम्राट निरंकुश वैसे ही उनकी शक्ति भक्ति सौराट स्वतंत्र निरंकुश। मर्जी से आएगी मर्जी से जाएगी। करने वाला भी तैयार होना चाहिए। परिस्थिति का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो मैं आज जो सुना था वो देख रहा हूँ। कहते हैं दिल्ली में पिछले 100 साल में इतनी ठंड नहीं पड़ी, लेकिन भक्ति का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। इन्होंने पार्क में बैठा कर भक्ति सबको प्रदान करा दी है। मुझे नहीं मालूम उस तरफ क्या है, पर इस तरफ तो ये है कि दिल कर रहा है कि टोपी उतार दूं, इतनी गर्मी आ गई है। ये भक्ति की गर्मी है। महाराज मेरी तारीफ कर रहे थे। वो धनिये के पेड़ पे चढ़ जा ऐसी तारीफ। भली करेंगे राम। मुझे ध्यान आया एक बार गुरु महाराज जी ऐसे ही मेरी तारीफ करते थे। उनका स्वभाव ऐसे ही था। कभी कभी दोष भी दिखाना होता ना था तो तारीफ कर देते थे। गुरुदेव का स्टाइल ऐसा था, तारीफ से पिटाई करते थे। तो मेरी तारीफ कर रहे थे। तो मैंने मजाक में कहा, महाराज जी मुझे ना एक घटना याद आ गई। देख क्या घटना याद आ गई है कि एक बार ना एक छोटी सी चिड़िया जो गोरैया होती है ना, गोरैया चिड़िया और गोरैया चिड़िया और गरुड़ जी उनके बीच में बहस चढ़ गई। चिड़िया कहती है तुम मेरे जैसे नहीं उड़ सकते हो। गरुड़ जी कहते अरे छोटी सी बच्ची तू मेरे से कंपटीशन करती है, तू मेरे से मुकाबला करना चाहती है। तो बोलती है वो कहती है कर लो आप उड़ ही नहीं सकती मेरे बराबर। अब जी उन्होंने आपस में शर्त लगा दी। अब शर्त क्या लगाई? यहां से
50 किलोमीटर दूर एक पर्वत है, उसकी शिखर पे कौन पहले पहुंचे? अब जी रेडी स्टेडी गो हो गया। जैसे गो हुआ तो चिड़िया फुर करके उड़ी। तब तक गरुड़ जी ने अपना पंख फैलाया। चिड़िया के उड़ने के समय से उन्होंने पंख फैलाया, और पंख फैला के जैसे ही उड़ने लगे तो चिड़िया उनके कंधे पे चढ़ गई, उन्हें पता ही नहीं चला। और जब वो पर्वत पे पहुंचे तो चिड़िया एकदम फुर करके उड़ के चींची चींची करने लगी, मैं पहले पहुंच गई, मैं पहले पहुंच गई, मैं पहले पहुंच गई। तो गुरु महाराज जी बड़े जोर से हंसे। मैंने कहा महाराज जी मैं तो आपके कंधे पे चढ़ा हुआ हूँ, अब मैं जहाँ भी हूँ वो उसी ऊंचाई पे हूँ जो आपका कंधा है। आप जितनी तारीफ करो तो वही हमारे पूज्य पाद श्रीधर महाराज, उन्होंने ये स्टेज सजाई, सर्दी को गर्मी में परिवर्तित करवा दिया और मुझे बुला लिया और फिर मेरी तारीफ कर रहे हैं। आहा हा ये बड़े दयालु हैं। हाँ जी बड़ा दयालु हूँ क्या, कुछ भी गड़बड़ करे मैं दयालु हूँ ना मैं।